आपको तो ये पता ही होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज अपना नाम बना पाना आसान बात नहीं। इसके लिए आपको कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, जिसके बाद जाकर आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री मिलती है और कोई छोटा मोटा रोल मिलता है। हालांकि स्टार किड्स के लिए ये सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जो विदाउट एनी बॉलीवुड कनेक्शन से आता है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ही बॉलीवुड में आने से पहले आपकी लुक्स, एक्टिंग और सब कुछ अच्छा और दूसरों से यूनिक होना चाहिए। इस इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीधा ही एक्टर या एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड में कदम रखा और काफ़ी कुछ सीखा, और अपनी मेहनत के दम पे उन्होंने बॉलीवुड में अपना अच्छा नाम कमाया। और इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जिन्होंने शुरुआत में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, कैमरामैन, क्रू मेंबर, बैकग्राउंड आर्टिस्ट या किसी तरह से बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में बैक स्टेज पर काम किया, या फिर उन्होंने बॉलीवुड मूवीज में छोटे रोल से शुरुआत करते हुए बैक से फ्रंट पर आकर दिखाया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ के बारे में जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एज अ बैकग्राउंड डांसर की, लेकिन आज उन्होंने अपने लक, मेहनत और जुनून के कारण बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना एक अच्छा नाम बना लिया है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में। तो हाय गाइस, वेलकम टू आरके बायोग्राफी चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरके बायोग्राफी चैनल में। तो चलिए जानते हैं उन सब सेलिब्रिटीज़ के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती हैं सरोज खान। तो हाँ, बॉलीवुड की सबसे पुरानी कोरियोग्राफर्स में से एक सरोज खान ने भी अपने करियर की शुरुआत एज अ बैकग्राउंड डांसर ही की थी। सरोज खान, जिनका रियल नेम निर्मला नागपाल है, आज एक बहुत ही जाना माना नाम है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। वो बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर डांस कोरियोग्राफर्स में से एक है, जिन्होंने 1969 से अब तक 2000 गानों को कोरियोग्राफ किया है और अभी तक वो बॉलीवुड में एक्टिव हैं। सरोज खान ने सिर्फ 3 साल की उम्र में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। वो पहली बार फिल्म नजराना में नजर आई थी। 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज के सॉन्ग आइए मेहरबान में आप उन्हें डांस करते हुए देख सकते हैं। इस गाने में सरोज खान एक लड़का बनी थी और बैकग्राउंड में डांस करती दिखाई दी थी। और उसके बाद उन्होंने एज अ कोरियोग्राफर 1974 में गीता मेरे नाम से अपने करियर की शुरुआत की, और आगे चलकर श्रीदेवी के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला और उन्होंने मिस्टर इंडिया, नगीना और चांदनी जैसी मूवीज में कोरियोग्राफ किया। और आगे चलकर माधुरी दीक्षित के लिए उन्होंने सॉन्ग 1 2 3, तम्मा तम्मा लोगे और धक धक करने लगा कोरियोग्राफ किया। और ऐसे ही धीरे धीरे वो गाने को कोरियोग्राफ करती गई और बॉलीवुड की मोस्ट सक्सेसफुल कोरियोग्राफर्स में से एक बन गई। तो हमारी इस लिस्ट पे दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है रेमो डिसूज़ा। रेमो डिसूज़ा भी बॉलीवुड के टॉप कोरियोग्राफर्स में से एक हैं। इसके अलावा आज वो एक सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अलावा आज वो कई डांस रिलेटेड शोज में एज अ जज भी नज़र आते हैं। रेमो डिसूज़ा का रियल नेम रमेश गोपी है। रेमो डिसूज़ा को बहुत ही कम उम्र में डांस का शौक चढ़ गया था और इसी पैशन को फॉलो करने के लिए उन्होंने शुरुआत की एज अ बैकग्राउंड डांसर। वो फिल्म परदेश और अफलातून जैसी फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम कर चुके हैं और आगे चलकर उन्होंने अपने टैलेंट के दम पे अपना इतना अच्छा नाम बनाया कि आज वो इंडिया के टॉप कोरियोग्राफर्स में से एक हैं। तो हमारी इस लिस्ट पे थर्ड नंबर पे आती हैं फराह खान। तो फराह खान, जिन्हें हम आज एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, डांसर और एक कमाल कोरियोग्राफर के रूप में जानते हैं, इन्होंने भी अपनी शुरुआत एज अ बैकग्राउंड डांसर ही की थी। उन्होंने कई पुरानी फिल्म्स में और स्टेज शोज में एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया है। 1986 की मूवी सदा सुहागन में उन्होंने एज अ बैकग्राउंड डांसर भी काम किया है और आगे चलकर उन्होंने अपने इसी टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में एज अ कोरियोग्राफर कदम रखा। तो यहाँ भी उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर खूब तारीफें बटोरी। फिल्म जो जीता वही सिकंदर को कोरियोग्राफर सरोज खान कोरियोग्राफ करने वाली थी, पर किसी कारणवश उन्होंने ये मूवी छोड़ दी, जिसके बाद ये मौका मिला फराह खान को। फराह खान ने गानों में कोरियोग्राफ किया और यहीं से शुरू हुआ उनका सफ़र, और आगे चलकर उन्हें अपने टैलेंट के लिए कई बड़े अवार्ड से नवाजा गया। और आज फराह खान टीवी शोज में एज अ जज भी नज़र आती है। तो हमारी इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पे आते हैं शाहिद कपूर। शाहिद कपूर, जिनका रियल नेम शाहिद खट्टर है, एक पॉपुलर एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। फिल्मों में आने से पहले शाहिद ने कई म्यूजिक वीडियोस और टेलीविज़न एड्स में काम किया है। आज वो बॉलीवुड में एक अच्छे डांसर के रूप में जाने जाते हैं और उनके डांस मूव्स लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। शाहिद को बचपन से ही डांसिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था और इसी के चलते वो कई बॉलीवुड मूवीज़ में
एज अ बैकग्राउंड डांसर भी नजर आ चुके हैं। वो ऐश्वर्या राय के बैकग्राउंड में भी डांस करते दिखाई दिए हैं फिल्म ताल में। इसके अलावा वो दिल तो पागल है मूवी में करिश्मा कपूर के बैकग्राउंड में भी डांस करते देखे जा सकते हैं। शाहिद के फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म इश्क विश्क से हुई थी और आगे चलकर उन्होंने कई मूवीज में काम करके अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया और आज उनके कई फैंस हैं। तो हमारी इस लिस्ट पे फिफ्थ नंबर पर आते हैं सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत हिंदी फिल्मों में एक्टर होने के साथ साथ थिएटर भी कर चुके हैं। इसके अलावा वो एक टीवी एक्टर भी रह चुके हैं। वो टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में भी काम कर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म पटना बिहार में हुआ था। सुशांत ने अपने करियर की शुरुआत एज अ बैकग्राउंड डांसर की थी। वो कई फिल्मों में और कई अवार्ड फंक्शंस में शाहरुख खान, ऋतिक रोशन जैसे सितारों के बैकग्राउंड में डांस कर चुके हैं। वहीं पर उनको सबसे पहले बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने नोटिस किया, जिसके बाद उन्हें किस देश में है मेरा दिल नामक शो में काम करने का मौका मिला। उसके बाद वो जी टीवी के शो पवित्र रिश्ता में नजर आए और यहीं से वो काफी पॉपुलर हो गए और घर घर की पसंद बन गए। इसके बाद वो कई डांस रियलिटी शोज में भी नजर आए। इसके बाद उन्होंने फिल्म काई पोचे से बॉलीवुड में कदम रखा और यहाँ भी उन्होंने अपना एक अच्छा नाम कमाया और आज बॉलीवुड में वो खुद एक पॉपुलर एक्टर हैं। तो हमारी इस लिस्ट में लास्ट में आते हैं रफ्तार। जी हाँ, रफ्तार जो आज लोगों को नचाता है अपने गानों पे, एक समय में वो खुद भी नाचा करता था। आज रफ्तार अपने यूनिक लिरिक्स और फास्ट रैपिंग स्किल्स के चलते इंडिया के टॉप रैपर्स में से एक है और आज वो बॉलीवुड में भी अपना एक अच्छा नाम बना चुके हैं। आज उनके सॉन्ग यूथ को काफी पसंद आते हैं, लेकिन रफ्तार ने भी अपने करियर की शुरुआत एज अ बैकग्राउंड डांसर ही की थी और ये बात काफी कम लोगों को पता होगा कि रफ्तार रैपर होने के साथ साथ एक ट्रेंड डांसर भी हैं। रफ्तार 2011 में फेमस डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जहां उनका स्टेज नेम मैक्स था। आगे चल के रफ्तार एज अ बैकग्राउंड डांसर इमरान हाशमी की मूवी जन्नत 2 के सॉन्ग तेरा दीदार में भी नजर आ चुके हैं। तो यही थे कुछ कमाल के बैकग्राउंड डांसर जिन्होंने शुरुआत किया एज अ बैकग्राउंड डांसर, लेकिन आज इन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अच्छी पहचान बना ली है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इन सेलिब्रिटीज में से किसी की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपको ऐसी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन पर टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।